अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के डिले के बारे में डिस्कस करेंगे। और सारे स्टूडेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि एमडी कैट डिले होगा, स्टूडेंट्स को एमडी कैट डिले से मुतलिक कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट्स जो है एमडी कैट के डिले से मुतलिक ट्विटर पर ट्रेंड भी चला रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट की हियरिंग का आज फैसला आने वाला था, उसमें डिसीजन होने वाला था कि आपके पास जो है एमडी कैट फर्दर डिले होगा या नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने जो अपनी वजूहत पेश की है जिसकी वजह से एमडी कैट को डिले करना लाजमी है, वो हम डिस्कस करेंगे। और उन्हीं वजूहत के बाइस जो है वो लग ये रहा है एमडी कैट जो है एक हफ्ते डिले किया जा सकता है। वजह यह है कि एमडी कैट के लिए सिंध से बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है हिंदू बरादरी के होते हैं और हिंदू बरादरी का जो है वो 15 नवंबर को कोई त्यौहार के बाहर जो है सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एमडी कैट को डिले किया जाए। दूसरी अहम वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान से भी कुछ लोग जो है एमडी कैट की सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो इलेक्शंस चल रहे हैं। 15 नवंबर को इलेक्शन की वजह से कहा जा रहा है कि आपके पास एमडी कैट को डिले किया जाए ताकि जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। दो वजूहत है जो पेश की जा रही है जैसे एमडी कैट को एक वीक डिले करने के चांसेस हैं। अलबत्ता एमडी कैट को डिले किया जाता है या नहीं किया जाता आपको पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर वहाँ कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँ। अलबत्ता ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि एमडी कैट को डिले किया जाए, लेकिन डिले करना भी होगा तो वो एक वीक डिले करेंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। आपको पता है कि अगर और डिले करेंगे जाके एडमिशंस में और परेशानियां होगी, और अगर एडमिशंस लेट हुए तो स्टूडेंट्स के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। ऐसे जो है अगर एमडी कैट को डिले भी किया जाता है तो एक वीक किया जाएगा इन्हीं वजूहत की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर पीएमसी की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है आपसे इस चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।